कृषि और ग्रामीणों के विकास के क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रहे मैत्री फाउंडेशन ने बुधवार को अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर जिला कृषि विकास पदाधिकारी समेत अन्य अधिकारियों ने फाउंडेशन से जुड़े किसानों को कृषि से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। साथ ही ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से रांची समेत अन्य राज्य के विभिन्न जिलों में परवल की खेती को मैत्री फाउंडेशन द्वारा बढ़ावा दिए जाने की जिला कृषि विकास पदाधिकारी ने सराहना की। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग और फाउंडेशन की ओर से ड्रिप के माध्यम से परवल की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे परवल की खेती की जा रही है और जिसमें जो मातृ ब्लॉक मिला है वो ICR हर प्लांटू से मिला है और डॉक्टर अरुण कुमार सिंह वहाँ के हेड भी हैं। ये एक अच्छा प्रयास है और ड्रिप में परवल की खेती की जा रही है। ड्रिप जो इस मैत्री फाउंडेशन को दिया गया है ये हम लोग कृषि विभाग की तरफ से ही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की तरफ से ड्रिप इरीगेशन का लाभ दिए थे और ये एक अच्छा प्रयास है क्योंकि अमूमन क्या होता है कि सब्जियों का जब रेट गिरता है तो किसान हतोत्साह होते हैं, लेकिन परवल एक ऐसा फसल है जो जिसके कि अभी उत्पादन कह सकते हैं कि रांची में ज़्यादा नहीं हो रहा है, तब इसमें स्कोप काफ़ी है और इसका रेट थोड़ा कांस्टेंट रहता है। मैत्री फाउंडेशन के प्रमुख सचिन कुमार ने बताया कि युवाओं को कृषि से जोड़कर बेरोजगारी और पलायन की समस्या से निजात दिलाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि अब तक के 9 वर्षों के कार्यकाल में फाउंडेशन ने झारखंड के लगभग सभी जिलों के किसानों को जोड़ने का प्रयास किया है। खासकर युवाओं को कहना चाहेंगे कि आज की जो दौर है खेती किसानी करके भी अच्छा पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन इसमें टेक्नोलॉजी को जोड़ने की जरूरत है। आज के युवा क्या कर रहे हैं कि 8,000-10,000 की नौकरी में सुबह से शाम तक भटक रहे हैं इधर से उधर। हम कहना चाहेंगे कि जिनके पास जमीन ना है या जमीन है वो टेक्नोलॉजी आधारित खेती करें। उसमें मैत्री फाउंडेशन झारखंड में करीब 24 जिले हैं, लगभग सभी जिले में हमारा कुछ न कुछ वर्क चल रहा है और हमारे साथ जो भी युवा आएंगे उनको हम टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ेंगे और उन्नत कृषि कार्य करके कैसे बेरोजगार को रोजगार के दौर में ला सकते हैं उस पे हम लोग कार्य कर रहे हैं। फाउंडेशन से जुड़े किसानों के जीवन में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। रांची और विभिन्न जिलों से आए किसानों ने बताया कि कृषि के क्षेत्र में अधिक से अधिक तकनीक का इस्तेमाल करके वे अब डबल इनकम की राह पर चल रहे हैं। बदलाव यही है, मैत्री फाउंडेशन जुड़ने से पहले हम लोग अपने ढंग से खेती करते थे तो उतना मुनाफा हम लोग नहीं कमा पाते थे। अभी हम लोग मैत्री फाउंडेशन से जुड़े हैं 2 साल से, तो इनका जो टेक्निक है खेती करने का वो हम लोग का यहाँ से नॉलेज मिला और उस नॉलेज से हम लोग खेती कर रहे हैं तो अच्छा बेनिफिट हम लोग को मिल रहा है। फाउंडेशन की ओर से परवल की खेती पर विशेष जोर दिया जा रहा है। माना जाता है कि अन्य सब्जियों की तुलना में परवल की कीमत स्थिर रहती है, इस वजह से नुकसान कम होता है। न्यूज विंग के लिए रांची से रफी शमी की रिपोर्ट। Excellent education, wonderful atmosphere, lavish building, and a long list of achievements in every field. Yes, one of the best schools in Jharkhand, BNSDAV Public School Giridih, continues to enroll. Enrollment is going on for classes nursery to standard 9 and standard 11. So, enroll your children today and let them touch the heights of the sky. Come on, hurry up! Seats are limited.